नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ घनश्याम कौशिक। घर में गरीबी दरिद्रता कई दुखों का कारण है। खाली जेब कई तरह के कलेशों को जन्म देती है। ऐसे में इन समस्याओं से निकलने में कई खास टोटके मददगार हो सकते हैं। आज हम कार्यक्रम में जानेंगे राई से जुड़ा उपाय जिससे दूर होगी आपकी दरिद्रता, और साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। कैसे भरेगी खाली जेब, कैसे आएगा घर में धन, जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से दरिद्रता दूर करने के उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1026303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 01204646332 और 01204646327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है। मार्गशीर्ष और मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की आज द्वितीय तिथि है। सोमवार का दिन है। नक्षत्र है ज्येष्ठा। योग है धृति और करण है कौलव। चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल, आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में अपने शत्रुओं को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आज आपके शत्रु जो हैं आपको हानि पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, तो थोड़ा सा सचेत रहें, अलर्ट रहें। और आज थोड़ा सा आपका मन, आपका मूड, आपका विचार थोड़ा खराब हो सकता है, मन खराब हो सकता है लोगों की गतिविधियों से, आपके शत्रुओं की गतिविधियों से। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम हृष्ठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मांसाहार का सेवन करने से आज बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए संतान व जीवन साथी पर अतिरिक्त धन खर्च करना पड़ सकता है। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति आज करनी पड़ सकती है। आज आप जीवन में कुछ नया अनुभव ले सकते हैं, ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं आपके लिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम हरये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी वाद विवाद में स्वयं को ना उलझाएं, ऐसा आपको व्यवहार रखना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन साथी का स्वास्थ्य आज प्रभावित हो सकता है। धन से जुड़े किसी मामले में आपको आज शुभ समाचार मिल सकता है, ऐसी स्थिति आज आपके लिए बनती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ज्ञानिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार से कमी मत होने दीजिए। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए खासतौर पर विद्यार्थी वर्ग को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी उन्नति आज मिल सकती है। व्यापारी बंधु लोगों को व्यापार के मामले में आपके अपने जो भी कुछ नए और बड़े निर्णय आज आप लेने वाले हैं वह आपके लिए लाभकारी रहने वाले हैं, आपको हर प्रकार से लाभ मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सृष्टि कत्रय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज का दिन आपके लिए यात्रा के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है, तो कम से कम यात्रा आज करनी चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में घरेलू खर्च में वृद्धि से आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। खर्चों में कमी करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो खर्चों में जहां तक आपसे संभव हो जाए कटौती करनी चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा आपको फायदा मिल सकता है। आज आपको ध्यान ये भी रखना है कि जब भी आप कोई भी बड़ा निर्णय करें, चाहे वो आपके व्यापार से जुड़ा हो या परिवार से जुड़ा हो, कोई भी निर्णय करने में बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए।
चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले आज क्या करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको अपने मित्रों की ओर से तनाव मिल सकता है। परिवार की किसी बात को लेकर के आप काफी तनाव में पुराने समय से थे, लेकिन आज ऐसा लगता है ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि वह एक विशेष जो पारिवारिक तनाव और दबाव की स्थिति थी उससे आपको मुक्ति मिल जाए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए अंगारक अष्टोत्तर शत नामावली का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। दूसरों के वाद विवाद में, दूसरों के झगड़ों में आपको स्वयं को उलझाना नहीं है, हस्तक्षेप करने से बचना है। अब जान लेते हैं तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक लाभ मिलने की प्रबल संभावना आज की दिनचर्या में दिखाई देती है। आज आपको एकत्रित होकर के काम करना होगा, एकचित होकर के काम करना चाहिए। मन में बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही होंगी तो आपको जो भी कार्य सबसे आवश्यक सबसे प्रमुख है अपना ध्यान उस पर एकचित करना होगा, एकाग्र करना होगा, तब आपको लाभ मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए चंद्र अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ करेंगे तो फायदा अधिक मिल सकता है। क्रोध करने से आज की दिनचर्या में आपको बचना है। चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें और क्या ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में भाग्य आपके साथ बना हुआ है, स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। धन से जुड़ी कोई खबर आपको आज मिले जिससे आपका मन प्रफुल्लित हो जाए, कोई ऐसी शुभ समाचार अच्छी खबर जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे, आर्थिक पक्ष से जुड़ी हुई ये सूचना आज आपको प्राप्त हो सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए बुध अष्टोत्तर शत नामावली का पाठ करेंगे तो दिन बहुत अच्छा जाएगा। आज ध्यान ये रखना है कि पश्चिम दिशा की ओर मुख करके आप भोजन ग्रहण ना करें। चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए व्यवसाय में बड़ा लाभ मिलने की संभावना आज बन रही है। पुरानी बातों को छोड़ करके आज आगे बढ़ने का दिन है। पुरानी जो कुछ भी बातें थी उनको आप दिमाग से निकाल दीजिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए शुक्र अष्टोत्तर शत नामावली का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। आज आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी स्वरूप में अन्न आपके समक्ष आता है, जो माँ अन्नपूर्णा का स्वरूप है उसका अनादर करने से आपको बचना है। अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कहते हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में बिगड़े काम बनेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई गलतफहमी हो सकती है तो व्यापारी बंधु को थोड़ा सा सचेत रहना है। आपके लाइफ पार्टनर से भी विवाद की स्थिति है, आपके कार्यक्षेत्र में जो आपके बिजनेस पार्टनर है उनसे भी कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए शनैश्चर स्त्रोतम का पाठ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। किसी वाद विवाद में या विवादित चर्चा में स्वयं को उलझाने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए घर में शुभ कार्य, मांगलिक कार्य संपादित हो सकते हैं, ऐसा लक्षण बनता है। व्यवसाय में मेहनत का फल आज आपको मिलने वाला है। कोई नया व्यापार बिजनेस आरंभ करने के लिए आज का दिन पुराने दिनों से बेहतर है तो आज आप प्रयास करें तो आपको फायदा अच्छा मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री शनैश्चर स्तवराज का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। दूसरों के कार्यों में, दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने से आज बचना चाहिए। अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और कैसी है उनके सितारों की चाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार के लोगों का सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। धन को लेकर के आपको कुछ आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन यह परेशानी बहुत अल्पकालीन है, बहुत कम समय में ही आप प्रयास करते रहें यह समस्या दूर हो जाएगी। आज के दिन का पूरा लाभ लेने के लिए द्वादश ज्योतिर्लिंग स्त्रोतम का पाठ करेंगे तो आपको फायदा अधिक मिलेगा। ध्यान आपको आज की दिनचर्या में ये रखना चाहिए कि आप जब भी भोजन ग्रहण करें या कुछ भी ग्रहण करते हैं तो खाते या पीते समय आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करने से बचना चाहिए। तो हमारे साथ कुछ कॉलर भी जुड़ चुके हैं। पहले कॉलर हैं दुर्ग विजय सिद्धार्थनगर से। दुर्ग विजय जी पूछिए अपना सवाल। आप पंडित जी प्रणाम जी, नमस्कार, बताइए। आप पंडित जी, हम अपनी बिटिया के बारे में पूछना चाहते हैं। जी बिल्कुल बताइए। हमारे बिटिया की जन्म तिथि है 15 अगस्त 1997 जी 2 बजे रात जी। पंडित जी उसके भविष्य के बारे में हम पूछना चाहते हैं, वह क्या कर सकते हैं। जन्म का स्थान बताइए। जन्म का स्थान गोरखपुर जी।
देखिए जातक की जन्म पत्रिका के अनुसार शुक्र की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है। ये समय इस बच्चे के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय में इनको अपना पूरा ध्यान जो है अपने करियर की तरफ, अपनी पढ़ाई की तरफ लगाना चाहिए। हालांकि शुक्र की दशा को देखते हुए ये कहा जा सकता है, शुक्र जिन भावों का स्वामी है, कि इस समय में पढ़ाई में ध्यान कम होगा, दोस्तों मित्रों में, मौज मस्ती में, मनोरंजन में, फिल्मों में ज़्यादा ध्यान होगा, तो उस तरफ से ध्यान हटाने की आवश्यकता है। और इस समय में अगर अपनी पढ़ाई की तरफ, अपने करियर की तरफ ध्यान लगाते हैं तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा लाभ मिलेगा इनके लिए। भविष्य तो बहुत उज्ज्वल है, लेकिन ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस समय से चूक गए तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि कर्म भाव में शनि के इस साथ साथ केतु की स्थिति भी बनी हुई है। तो अगर अपने करियर में थोड़ी सी भी लापरवाही किए तो आजीवन उसका भुगतान करना पड़ सकता है। तो पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाएं, भगवान गणेश और माँ सरस्वती की पूजा आराधना कर लेना इस जातक के लिए बहुत अच्छा फायदा लेकर के आएगा, इससे इनका कल्याण हो जाएगा। भावना एक कॉलर लखनऊ से हमारे साथ है। भावना पूछिए अपना सवाल। हाँ पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मेरा डेट ऑफ बर्थ 14 सितंबर 1979 है जी। सुबह 7:15 पे जी। जन्म स्थान गोरखपुर है जी। तो मैं यह पूछना चाहती हूँ पंडित जी से, किसी ने कहा है कि मेरा ब्याहसर 12वें घर में है जी, जिससे मतलब वैवाहिक जीवन सही नहीं रहेगा। मेरी पहले भी शादी हो चुकी है जो 10 दिन में टूट गई है जी, मतलब खत्म हो गया है। मैं यह जानना चाहती हूँ कि दूसरी शादी कैसी रहेगी, मतलब उसके साथ कोई कष्ट नहीं ना होगा, ऐसा कुछ नहीं ना होगा, कोई उपाय बताएं कि जिससे ब्याहसर 12वें घर में हो वो दूर हो जी। देखिए आपकी जन्म पत्रिका में 12वें स्थान में 5 ग्रहों का योग बना है, जिसे पंचग्रही योग कहते हैं। ये निर्भर करता है कौन से ग्रहों का संयोग बन रहा है। आपकी कुंडली में 5वें भाव में बुध, सूर्य, शनि, राहु और गुरु, ये जो है अपने आप में बहुत अशुभ योग है, क्योंकि राहु के साथ इन ग्रहों का बैठना, एक साथ राहु और केतु ने इन ग्रहों पर ग्रहण योग बना दिया। तो जब तक इन ग्रहों का जाप करा करके शांति ना की जाए, सही तौर पे प्रामाणिक उपाय या निदान ना किए जाएं, तो आपके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। परिस्थितियां वैसी ही बनी रह सकती हैं, दाम्पत्य जीवन में सुख का अभाव रहेगा। जो छोटे उपाय हम लोग बताते हैं, जो टोटके बताते हैं, ये 1 साल 2 साल 3 साल तक कारगर होते हैं, लेकिन अगर जीवन में आपको कोई प्रामाणिक रास्ता चाहिए तो ग्रहों की शांति से बेहतर कोई और उसका निदान नहीं होता। रत्न धारण करना, छोटे टोटके करना, वो सारी प्रक्रिया जो है बाद की है, वो आपको तब फलित होते हैं जब आप ग्रहों का निदान सही तरीके से करते हैं। आप एक बार ग्रहों का निदान कर लें तो निश्चित ही मैं समझता हूँ कि आपका दाम्पत्य जीवन आगे आने वाले समय में, भावी भविष्य आपका बहुत ही अच्छा होगा, मंगलमय जीवन हो जाएगा। हमारे साथ एक और कॉलर है गोपाल नैनीताल से। जी पूछिए अपना सवाल। ये मेरी लड़की 20/9/2003 को जी जी 12:05 में नैनीताल में पैदा हुई जी। ये दिन का समय था, रात का समय था? दिन का समय था जी जी। अब ये पढ़ाई में इसका मन नहीं लगता जी जी, बताइए जी। देखिए इस जातक की जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में सूर्य की अंतरदशा है। इस समय में अगर इनको प्रेरित किया जाए, ग्रहों की तरफ से परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं, ग्रहों की तरफ से कहीं कोई समस्या, कोई बाधा नहीं है। अगर इनको थोड़ा सा प्रेरित किया जाए, ऐसा लगता है कि प्रेरणा की कहीं ना कहीं से कमी आ रही है, इनको एक सही मायने में प्रेरणा मिलनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। और परिवार में जिम्मेदार अभिभावक होने के नाते माता और पिता को भगवान विष्णु की पूजा आराधना इनके लिए करनी चाहिए। सोमवार की तिथि में यदि संभव हो जाए तो थोड़ा सा कच्चा दूध, उसमें चीनी मिला करके अगर आप शिवलिंग पर स्वयं चढ़ाते हैं, बच्चे के नाम से या बच्चे के हाथों से अर्पित करवा दें, तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। बस एक ही योग इस जातक की कुंडली में खराब है, अशुभ है, जिसमें अष्टम भाव में चंद्रमा और शनि का संयोग बन रहा है। तो अगर सोमवार की तिथि में ये उपाय कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। मन से इस बच्चे को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने लगेगा, ये जो अंदर से इसकी इच्छा नहीं होती पढ़ाई करने के लिए, वो इच्छा बनने लगेगी। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे गरीबी दूर भगाने का चमत्कारिक उपाय। बने रहिए हमारे साथ।
के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार राई से आप दरिद्रता निवारण कर सकते हैं। जी हाँ, राई जो है वो बहुत ही साधारण चीज है, अमूमन हर घर में, हर रसोई में, हर किचन में प्रयोग में आती है। राई का प्रयोग दरिद्रता निवारण के लिए भी किया जाता है। ये एक प्रकार से कहा जाए, समझा जाए तो ये तांत्रिक प्रयोग है। इसको बहुत ही साधारण तरीके से करना होता है। तांत्रिक प्रयोग सुनकर के घबराने की जरूरत नहीं है कि इसमें बहुत बड़ा तंत्र मंत्र करना होगा। इसका प्रयोग जो है तंत्र में बाधा निवारण के लिए करते हैं। तो किस प्रकार से आप अपनी आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए राई का प्रयोग कर सकते हैं, आइए जानता हूं। यदि किसी व्यक्ति के साथ पैसों की बहुत समस्या रहती है, धन का कोई जुगाड़ नहीं बन पा रहा हो तथा घर में दरिद्रता का वास होता हो, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। एक जल भरे हुए घड़े में, यानी पानी भरे हुए घड़े में राई के पत्ते डाल करके इस जल को नवग्रह से और माँ लक्ष्मी के मंत्रों से सिद्ध कर लें, यानी अभिमंत्रित करके जिस भी किसी व्यक्ति को स्नान करा दिया जाएगा उसकी दरिद्रता जो है वह नष्ट हो जाएगी। उसके साथ साथ शारीरिक रोग व्याधि कष्ट की स्थिति होगी वह भी दूर हो जाएगी। तो बहुत आसान सा तरीका है, एक कलश में आपको एक पात्र में घड़े में जल भरना है, उसमें राई के पत्ते डाल करके छोड़ देने हैं। गुरुवार की रात में आप ये पत्ते डाल करके छोड़ दीजिए। उसके बाद अगले दिन शुक्रवार के दिन, शुक्रवार को या मंगलवार को ये प्रयोग आपको करना है, यानी स्नान आपको जब करना है तो शुक्रवार को या मंगलवार को करना है। तो अगर आपको शुक्रवार को स्नान करना होगा तो गुरुवार के दिन पत्ते डाल करके कलश में छोड़ने होंगे। अगर आप मंगलवार को स्नान करना चाहते हैं तो सोमवार को ये पत्ते डाल करके आपको उसमें छोड़ने होंगे और अगले दिन आपको स्नान कर लेना है। स्नान से पहले इस कलश को लक्ष्मी मंत्र से आपको सिद्ध करना होगा, नवग्रहों के मंत्र से सिद्ध करना होगा, जिससे जब आप स्नान करें तो नवग्रह या लक्ष्मी से संबंधित, धन से संबंधित जो भी समस्या है वो दूर हो जाए, आपकी आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी। चलिए कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं, राजीव बीकानेर से। राजीव, सवाल पूछिए अपना। आचार्य जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। बाइक के बारे में पूछना है। जी बिल्कुल बताइए। उसकी जन्म तिथि है 19 सितंबर 1970। जी। समय सुबह 6:15 ईशान बीकानेर। जी, ये पहले राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी रहा, उसके बाद उसके नशे का आदि हो गया और लाइफ उसकी तब वाइफ भी छोड़ के चली गई, तो इसके जीवन में अच्छा योग कब बनेगा और क्या उपाय होगा? जी बिल्कुल, देखिए इन जातक की कुंडली में राहु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही है और मैं समझ सकता हूँ कि जो भी इनके जीवन में गिरावट की स्थिति आई होगी, जो भी उतार की स्थिति आई होगी, वह 2002 के बाद से क्रम शुरू हुआ होगा, क्योंकि 2002 से इनकी कुंडली में राहु की महादशा आरंभ हुई है। ऐसा हम लोग अक्सर देखते हैं, लोगों को अक्सर बताते हैं, लोग इन बातों को बहुत हल्के में लेते हैं। राहु और केतु का जो संयोग होता है अच्छे से अच्छी कुंडली को, अच्छे से अच्छे योग को खराब कर देता है। कितना भी खूबसूरत किसी भी व्यक्ति की कुंडली में राजयोग हो, अगर कहीं ना कहीं राहु केतु का स्पर्श हो रहा है, अगर ग्रहण योग बन रहा है, तो सारे योग धरे रह जाते हैं और जितनी नकारात्मकता है वह व्यक्ति के जीवन में हावी हो जाती है। वही आपके भाई साहब के साथ हुआ जो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे। इनकी कुंडली में मंगल के साथ केतु जो है वह 12वें भाव में है और राहु उसको देख रहा है, तो ऐसी स्थिति में मैं कहता हूं कि राहु का निदान कराएं, साथ ही साथ मंगल केतु और बुध का उपाय जब तक आप नहीं कराएंगे तो इनका जीवन जो है वापस अपने एक आम ढर्रे पर नहीं आ पाएगा, अन्यथा इनका जीवन लगातार व्यसनों में घिरता चला जाएगा और अभी आने वाली जो दशाएं हैं वह इनके लिए और ज्यादा हानिकारक और खतरनाक हो सकती है। हमारे साथ एक कॉलर उधम सिंह नगर से हैं, उमेश। उमेश पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार, बताइए। मेरे बेटे की जन्मतिथि 8 फरवरी 1999। जी। 8/36 रात्रि का जन्म हरिद्वार का। जी। मैं इसके बारे में, शिक्षा के बारे में पूछना चाहता हूँ कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसका करियर कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए इनका करियर जो है वो कहीं ना कहीं डिजाइनिंग या फिर कॉमर्स और फाइनेंस की फील्ड में ज़्यादा बेहतर दिखाई देता है। उसके साथ साथ मैंने कहा डिजाइनिंग, क्योंकि शुक्र की जो स्थिति है इनकी कुंडली में, कर्म भाव का स्वामी शुक्र है, वो इनके लिए बहुत अच्छा बनता है। तो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग भी हो सकता है, वह इंटीरियर डिजाइनिंग भी हो, कोई भी ऐसा काम जिसमें व्यक्ति को अपनी कला दिखाने का अवसर मिले या किसी भी चीज़ से खूबसूरती बढ़ती हो, तो इंटीरियर डिजाइनिंग उसमें बहुत अच्छा एक करियर ऑप्शन है। फैशन डिजाइनिंग जैसी स्थिति आती है, लेकिन अभी जो इनकी कुंडली में योग है, शनि की दशा का जो संयोग है,
वह इस जातक को कुछ संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। तो इनको आपको ये समझाना है, ये बताना है कि संघर्ष में किसी भी प्रकार की कमी ना करें, खासतौर पर तब जब शनि किसी भी व्यक्ति के लिए छठे और सातवें भाव का स्वामी हो और नीच की स्थिति में भाग्य स्थान में बैठा हो, तो संघर्ष करेंगे, संघर्ष के बावजूद ही नीच का शनि भाग्य स्थान में जो बैठा है वो इनको बहुत अच्छे प्रतिफल देगा। तो किसी भी तरीके से अपनी ऊर्जा में, अपने प्रयासों में कमी ना करें। एक कॉलर कविता भीलवाड़ा से जुड़ी है। कविता जी पूछिए अपना सवाल। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए जी। पंडित जी मैं ये पूछना चाहती हूँ, एक तो क्या मेरे मकान नहीं बन रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, बनाया है कि उसमें रह नहीं पा रहे हैं जी, और दूसरा तो बच्चे के लिए पूछना चाहती हूँ जी। बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण बताइए। मेरा जन्म है 31 दिसंबर 1972 महाराष्ट्र का जलगांव का जन्म जी। जन्म का समय बताएं जी। समय तो मुझे याद नहीं है जी। देखिए सन के जब तक जन्म का विवरण पूरा नहीं होगा उसके अभाव में फलादेश में कहीं ना कहीं फर्क आता है। जो प्रश्न लग्न के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, प्रश्न लग्न को 75-80% तक ये इसके सफलता का प्रतिशत है, इतना ही सटीक मानते हैं, तो मैं आपको उसी के आधार पर जवाब दे पाऊंगा। आपके इस प्रश्न लग्न के अनुसार बुध की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है। बुध आपके इस प्रश्न के अनुसार, प्रश्न लग्न के अनुसार सातवें और दसवें भाव के स्वामी हैं, और शनि की जो स्थिति है वह दूसरे और तीसरे भाव के स्थान के स्वामी हैं और बैठे हुए हैं बारहवें में। तो अगर इस प्रश्न लग्न को देखा जाए और आपके प्रश्न के अनुसार उसकी तुलना की जाए, तो मैं समझता हूं कि जो आपने प्रश्न किया है काफ़ी अभी परिस्थितियां आपके विपरीत दिखाई देती हैं, परिस्थिति आपके पक्ष में बनती नहीं दिखाई देती, चाहे वह अपने घर की बात हो या संतान प्राप्ति की बात हो। अभी ऐसा लगता है कि पूर्व के कुछ समय में आपको संतान हानि हो चुकी है, मिसकैरेजेस या अबॉर्शन की स्थिति आ चुकी है और अभी भी आ सकती है। उस परिस्थिति से अभी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, उसको नकारा नहीं जा सकता। अभी भी गर्भधारण की स्थिति के बाद अबॉर्शन की स्थिति, मिसकैरेज की स्थिति आपके लिए बनती है, तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ग्रहों का निदान आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। आपके लिए ज़रूरी है कि आप मंगल, शनि और बुध, इन तीन ग्रहों का उपाय अपने लिए ज़रूर कराइए। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आचार्य जी आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला समाचार प्लस पर लगातार जारी है।